अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कराची की रौनकों के साथ मैं हूँ महेश कोचरा और कराची हरा भरा है और इसमें ऐसे ही हरे भरे लोग हैं। आज हम मौजूद हैं नीलम अकेडमी में और नीलम अकेडमी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर सिंगिंग के प्रोग्राम होते हैं, आने वाले बच्चों को यहाँ म्यूजिक सिखाया जाता है और इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े उस्ताद बैठते हैं और मौसीकी के प्रोग्राम होते हैं, मौसीकी की महफिल सजती है और जितने भी पाकिस्तान के हमारे गायक रहे हैं उनकी याद में यहाँ पर जो है गीत गाए जाते हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। और साथ ही साथ आज हमारे बीच नीलम अकेडमी की जो चेयरपर्सन है मैडम नीलम, वो भी मौजूद है, तो आइए आपको मिलवाते हैं मैडम नीलम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करता चलूं कि नीलम अकेडमी में मैडम नीलम के साथ तो हम बैठे हुए हैं और साथ ही साथ ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज मैम का जन्मदिन भी है। मैम हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मैम। कितने बरस की हुई आज? एक बड़ा कठिन सवाल होता है किसी भी फीमेल से ये पूछना कि आपकी एज क्या है, लेकिन आई होप कि मैम हमें बताएंगी। जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह 38 की। बिलीव मी मुझे नहीं लगता इनको देख के कहीं से भी इनकी एज 38 है। हम दुआगो हैं अल्लाह की जात से कि ऐसे कई 138 आप बजर करें। थैंक यू। अच्छा मैम मुझे नीलम अकेडमी के बारे में बताइएगा, आपने सुना है मेरे प्रोग्राम कराची के रौनकों के बारे में? मैंने सुना है माशाल्लाह कराची के रौनक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप कराची की रौनक की टीम मेरे आज एकेडमी मेरे ऑफिस आई है, मुझे प्रमोट कर रहे हैं, मुझे एसेंस कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और मुझे खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच मैम। असल में हमारे इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ जगाएं नहीं है, हम उन तमाम लोगों के जाके अप्रोच करते हैं जिनसे हमारी कराची की रौनकें बहाल हैं। और जब हमें आपकी एकेडमी के बारे में पता चला कि आप बच्चों को संगीत सिखाती हैं, म्यूजिक की क्लासेस होती हैं, और बड़ा शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए जब पता चला कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी जो है ना बच्चों को संगीत सिखा रही हैं, कैसे ख्याल आया आपको ये सब करने का? इसलिए कि बहुत से लोग, बहुत से बच्चे बड़े बूढ़े उनमें इतनी काबिलियत होती है, बेचारे फीस की वजह से या पैसे की वजह से ना आगे नहीं जा पाते, तो फीस तो हमने रखी है लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई नहीं दे पाता तो हम देखते हैं उसकी आमदनी पूछते हैं, फिर उसके बाद या तो उसको हाफ कर देते हैं या बिल्कुल खत्म कर देते हैं। मैम यही मैंने सुना था आपके बारे में कि कहते हैं कि जितने भी दुखियारे संगीतकार हैं हमारे पास वो उनकी कोशिश होती है कि मैडम नीलम के पास जाए, ना सिर्फ यहाँ पर उनको सिंगिंग मिलती है बल्कि इसके अलावा आपसे दिली हमदर्दी और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख बिल्कुल ऐसा ही लोग मुझसे जो करते तवक्का रखते हैं और मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये जो दुनिया बनी है ये मोहब्बत के लिए बनी है। वाओ मैम, कितना अच्छा हुआ आपकी इस अकेडमी को? इस अकेडमी को तो 1 ईयर होने वाला है लेकिन मैं फील्ड में 12 साल से हूँ। अच्छा, तो आप खुद भी माशाल्लाह संगीतकार हैं। जी मैम, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, आपका जन्मदिन भी है, तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन ज्यादा नहीं 2 लाइनें जरूर आपसे सुने। असल में आज डिफेंस में आपको पता बारिश लाइट नहीं जाती, ठीक है, आज लोड शेडिंग हुई बारिश की वजह से, मेरे ख्याल से बारिश की वजह से ही हुई क्योंकि यहाँ तो लाइट जाती नहीं, तो मैं कैसे सॉन्ग सुनाऊं। मैम आपकी आवाज में इतना दम है कि हम इसी माइक के थ्रू चाहेंगे कि आप हमें 2 लाइनें जरूर सुनाएं। मैम म्यूजिक हम आपको देते हैं, आप सिर्फ कुछ भी सुनाएं हमें। चलें, मुझे एक बहुत गाना पसंद है, शायद मैडम नाहिद दत्ता का है, हम ना तरसे कभी फिर खुशी के लिए, प्यार मिल जाए घर जिंदगी के लिए, हम ना तरसे कभी फिर खुशी के लिए, प्यार मिल जाए घर जिंदगी के लिए, हम ना तरसे कभी। वाह 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 मैम नाहिद की जो है ना आपने यादें ताजा कर दी, माशाल्लाह बड़ी सुरेली आवाज है आपकी। नहीं बहुत अच्छा गाती हैं आप। अच्छा मैम, जो और लोग हमें देख रहे हैं, मतलब अगर कहीं से भी कराची से किसी भी कोने से बंदे या लोग यहाँ आ सकते हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, अगर जिनके पास बहुत अच्छी आवाज है, टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास? हाँ, मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अगर उनके पास कोई सहूलत नहीं है तो कम से कम मुझसे राबता करके एक बार मशवरा जरूर करें, मुझसे पूछे जरूर कि इसका क्या हल हो सकता है, पैसे नहीं है, कन्वेंस नहीं, टाइम नहीं है, तो उनको फिर मैं उस तरीके से हैंडल करूंगी। बिल्कुल, जितने भी संगीतकार हैं जो इस वजह से रुके हुए हैं कि
एक्टिंग का भी है मैम? एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन डिजाइन, रैंप वॉक, जितने भी यानी कि मीडिया से रिलेटिव जितने वर्कआउट होते हैं वो सब माशाल्लाह नीलम आर्ट एकेडमी में होते हैं। मैं इन शॉर्ट सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पूरा जो टीवी होता है ना वो मैडम के अंदर मौजूद है, और वो चाहे थिएटर हो, टीवी आर्ट हो, इसके अलावा मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, या वॉट एवर, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से न्यूज एंकर भी बनाती होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे पास अभी मौजूद हैं, बल्कि वो सिंगर आए हुए हैं, महमूद सयानी, माशाल्लाह वो 2 वीक के सिंगर हैं और स्टेज पे गा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप में से अगर कोई भी नीलम एकेडमी का हिस्सा बनना चाहता है तो डिफेंस फेस 2 के अंदर ये ऑफिस है। और मैम आपकी फेसबुक आईडी बताइए। नीलम शाह के नाम से है और नीलम आर्ट प्रोडक्शन के नाम से पेज भी है, और मिशन न्यूज तो हमारे साथ है, JDM हमारे साथ है, 7 न्यूज, धरती चैनल, माशाल्लाह बहुत सारे चैनल हमारे साथ है, न्यूज पेपर बहुत सारे हमारे साथ है, सब जगह है। ठीक है जी, फेसबुक पे अगर आप लॉगिन करते हैं तो नीलम शाह के नाम से, उसके अलावा नीलम आर्ट एकेडमी भी है इनकी, उस पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपको टाइम मिले तो मैं पर्सनली ये जरूर कहूंगा कि आप नीलम एकेडमी आए, यहाँ विजिट करें, मैम से मुलाकात कीजिए। और अगर अब तक आपको कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला है जहाँ आप अपने टैलेंट को मनवा सके तो आई गेस मैम आपकी जो है वो बेलोस मदद करेंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा इन्होंने कहा है, बिल्कुल मेरा काम ही लोगों की हेल्प करना है, और मेरे ख्याल से ये काफी लोग जानते हैं, लोग नहीं बल्कि मुझे लगता है कि काफी दुनिया जानती है। मैम आप हमारी कराची की जो वो रौनक है जो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना भी हो तब भी चकमकाती है। अच्छा ये तो मुझे पता नहीं। अच्छा मैम ये तो हो गया, मतलब इस बारे में ये सारी खिदमत आपकी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो फीमेल को इस तरीके से जो कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको मोटिवेट नहीं किया जाता, तो आप फीमेल को क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनके पास टैलेंट है, अच्छी आवाज भी है, खूबसूरत भी है, हर अगर मॉडलिंग की बात करें, सिंगिंग की बात करें, हर जगह फिट होती है, लेकिन फैमिली बाउंड्रीज होने की वजह से वो अपने ख्वाब को मतलब पूरा नहीं कर पाती। मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि अगर उनकी फैमिली प्रॉब्लम है तब भी वो अपनी फैमिली के साथ मेरे पास आए, और अगर फैमिली के कोई इश्यू नहीं है तब भी मेरे पास आए, कुछ ना कुछ हल निकल आता है। यस, और मैम आपको कितनी सपोर्ट हासिल है आपके हस्बैंड से, हमने हर मुकाम पर उनको आपके साथ पाया है। बिल्कुल वो मेरे साथ हैं और इस इदारे को ज्यादा वही संभालते हैं, टाइम वही ज्यादा देते हैं। मैं तो रात को आती हूँ अपना रिहर्सल के लिए, जो हमारी प्रैक्टिस होती रोज, मैं 9 बजे आती हूँ ऑफिस और 12 बजे या 1 बजे चली जाती हूँ। यहाँ डेली प्रैक्टिस होती है जी, यहाँ डेली प्रैक्टिस भी की जाती है। तो जैसे कि मैंने आपके कहा कि कराची की रौनकों में ना सिर्फ हमारे पास प्लेसमेंट है बल्कि वो खूबसूरत लोग भी हैं जिनसे हमारी कराची की रौनकें वाबस्ता है। मैडम नीलम से हमारी मुलाकात हुई जो उनमें से एक हैं, और किस किस्म की खूबसूरत टैलेंट के आप मालिक हैं, क्या क्या तारीफ करूं मैम मैं आपकी, सिंगर आप हैं, एक्टर आप हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो आपकी वजह से आप मीडिया के अंदर हैं। डिफेंस में या कहीं पर भी जितनी अकेडमीज हैं, एक तो ये माशाल्लाह आर्ट काउंसिल के बाद सेकंड नंबर पर है, ठीक है, प्लस ये कि जितनी भी अकेडमीज हैं पाकिस्तान की उनमें फीस लेकर भी 3 डेज क्लास देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ रेगुलर क्लासेस होती है, और संडे भी कोई आना चाहे प्रैक्टिस करना चाहे तो संडे को भी हम खोल देते हैं इदारा। इसे मैं ये कह सकता हूँ कि घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाए। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का, और मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फेसबुक पे मैडम नीलम शाह को जरूर लॉगिन कीजिए, उनके नीलम आर्ट के पेज को जरूर लॉगिन कीजिए, और इसके साथ साथ आप मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी दिन किसी नई शख्सियत के साथ किसी नई जगह पर आपसे मुलाकात होगी। महेश कोचरा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।